कृषि दर्शन देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के कृषि दर्शन में हम गाय के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी देसी गाय के बारे में। जैसे कि कहावत है कि एक गाय एक परिवार सुख समृद्धि का आधार। जी हाँ, ये सत्य है। सदियों से गाय हमारी आर्थिक समृद्धि का एक बहुत बड़ा आधार रहा है। आज इस देसी गाय का भविष्य कुछ संकट में है, मगर हमारी वर्तमान सरकार इस ओर बहुत प्रयास कर रही है और इस वंश को देसी गायों को बढ़ाने के लिए हर तरह से सहायता और सहयोग प्रदान कर रही है। आज हम आपको एक ऐसी ही कामधेनु गौशाला, जिसको कामधेनु गोधाम के नाम से हम लोग जानते हैं, मेवात क्षेत्र के जिला नूह में ये गौशाला है, इसके बारे में आपको एक विशेष कार्यक्रम दिखाएंगे जिसका संचालन एक महिला कर रही है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। कृषि उन्नति मेला 2018 नई दिल्ली में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि उन्नति मेला 2018 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में विस्तार से जानकारी दी। मोदी सरकार आने के बाद तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उन्नति मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 4 वर्ष पूरे किए हैं। इस बार के राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले के अंदर पिछले 4 वर्षों के अंदर जो कृषि और एलाइड सेक्टर में हमारी सरकार ने काम किया है उसका संपूर्ण प्रगटीकरण होने वाला है। इस किसान मेले में प्रधानमंत्री जी भी 17 मार्च को आने वाले हैं और जैविक खेती पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे और पहली बार एक साथ देश में वर्षों से लंबित 25 जिलों के केवीके का शिलान्यास भी यही करेंगे और पूरे देश के अंदर जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने ICR के संस्थान हैं और 681 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये अपने अपने परिसर में भी देश भर में किसानों को बुलाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का सीधा प्रसारण होगा। इस बार 9 राज्यों को कृषि कर्मणा पुरस्कार भी दिया जाएगा। 6 राज्यों से कृषि मंत्री के आने की अभी तक सूचना है और 2 राज्य के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। इस मेले में आपको 800 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्र की नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन न सिर्फ स्टॉल में होने वाला है बल्कि वहाँ के जो 1000 एकड़ भूमि है तो खेत पर भी उसके प्रदर्शन किए गए हैं, जहाँ देश भर के किसान देखेंगे माइक्रो इरिगेशन, वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन, पशुपालन, मछली आदि का भी लाइव प्रदर्शन होगा और 3 दिन तक लगातार सेमिनार और कॉन्फ्रेंस चलते रहेंगे। इसमें इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो विशेषता है, कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगुना करने का जो हमने संकल्प लिया है इसका भी एक थीम पेवेलियन है। इसके अलावा जैविक खेती के थीम पेवेलियन के साथ ही जैविक कुंभ, फिर सहकार मेला भी है और इनपुट्स का भी पेवेलियन है, बीज खाद कीटनाशक आपूर्ति करने वाले जितनी एजेंसियां हैं, फिर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, पशुपालन, ICR और IRI के अलावे जो कपड़ा मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है और पूर्वोत्तर राज्यों के भी बड़ी संख्या में स्टॉल है। लाखों किसान 3 दिन तक इस मेले में आएंगे और 17 को प्रधानमंत्री जी का जब संबोधन होगा तो उस दिन भी बड़ी संख्या में देश भर के किसान आएंगे और मैं समझता हूँ कि देश के किसानों ने भी जो कुछ किया है और हमारे मंत्रालय और एलाइड सेक्टर्स के जो मंत्रालय हैं उन सब ने भी जो 3-4 वर्षों के अंदर कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति की है
लैब से लैंड तक हम गए हैं, इस सबका संपूर्ण प्रगतिकरण होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज एवं राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला और राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। CSIR निस्केयर द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय महिला संगोष्ठी का आयोजन 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृषि में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ साथ महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विज्ञान की सेवा में महिलाएं और महिलाओं की सेवा में विज्ञान विलय को लेकर पिछले दिनों पूसा स्थित नास कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञान में महिलाओं की भूमिका एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए निस्केयर के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पटेलिया ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान तथा विज्ञान भारती मिलकर के एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और इसका विषय है विज्ञान की सेवा में महिलाएं और महिलाओं की सेवा में विज्ञान, और ख़ासतौर पर विज्ञान साहित्य पत्रकारिता और कविता का समायोजन कैसे हो सकता है कि हम महिलाओं के लिए जो विज्ञान का संदेश है उसको आगे तक ले जा सकें, उस पर यह परिचर्चा आधारित है। और इसमें ख़ासतौर पर मैं बता दूं कि इसके 3 भाग हैं, जिसमें एक परिचर्चा है जिसमें विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं किस प्रकार से योगदान कर रही हैं, दूसरा इसमें एक विज्ञान कविता गोष्ठी जिसमें कवित्रियां भाग ले रही हैं, और तीसरा इसमें एक लेक्चर सीरीज भी करी गई है ग्लोकोमा के बारे में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए, और इसके साथ ही हेल्थ कम्युनिकेशन महिलाओं के लिए किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है। ये सब मिला जुला पूरा गुलदस्ता है आज के कार्यक्रम का, जिसमें पूरे देश भर से विभिन्न प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ख़ासतौर पर महिला वैज्ञानिक, पत्रकार, कवित्रियाँ। तो एक ही ऐसा समायोजन है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से विभिन्न परिवेश के व्यक्ति और ख़ासतौर पर महिलाएँ भाग ले रहे हैं और आपस में चर्चाओं का आदान प्रदान करेंगे, और उस आदान प्रदान से जो नए विचार निकलेंगे उससे नीति निर्धारण में फ़ायदा होगा, और ख़ासतौर पर जो अवेयरनेस की बात है, ख़ासतौर पर विज्ञान और स्वास्थ्य के अवेयरनेस की बात है सभी माँ बहनों के लिए, चाहे वो गांवों में हों चाहे वो शहरों में हों, छोटी छोटी जानकारी बहुत महत्व की होती है, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे परिवार के विकास से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो, ऊर्जा बचाने से संबंधित हो, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो पूरा डिस्कशन है ये एक ऐसे निष्कर्ष की ओर ले जाएगा जिससे महिलाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े और विज्ञान किस प्रकार से महिलाओं के सेवा में योगदान कर सकता है उसके ऊपर भी इजाफा हो। बीमार पशुओं की देखभाल में आगे आई पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट फरीदाबाद। आजकल पशुधन का महत्व बढ़ता जा रहा है, वहीं बीमार एवं बेकार पशुओं को आवारा छोड़ दिया जाता है एवं वो जाने अनजाने में कई बार दुर्घटनावश उनके हाथ पैर टूटने पर वो समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई पशु कल्याणकारी संस्थाएं इस ओर अपने कदम रख रही है एवं ऐसे बेसहारा बेबस पशुओं को अपने संस्थान में ले जाकर उनका उचित इलाज, प्रबंधन एवं देखभाल करते हैं, जिससे वो पशु मानव के अत्याचार से बच सके। ऐसी ही एक संस्था फरीदाबाद में कार्य कर रही है। इसके संस्थापक श्री रवि दुबे ने हमारे संवाददाता को बताया, हम फरीदाबाद में पशु कल्याण की एक संस्था चलाते हैं जिसका मकसद है शहर में घूम रहे आवारा पशुओं, जीव जंतुओं की रक्षा करना। जो आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। इंसान तो जब भी अपना दुख दर्द बता देगा, लेकिन जीव जंतु बेचारा किससे बोलेगा। हम इंसान होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम जीव जंतु की रक्षा करें। इसीलिए हमने एक संस्था बनाई है जिसमें हम पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं और उनका इलाज करते हैं।
हमारी संस्था 11 साल से चल रही है फरीदाबाद में, जिसका उद्देश्य है जीव जंतु को बचाना है। हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है, अस्पताल है, गौशालाएँ हैं, जहाँ इनकी व्यवस्था करी गई है। स्पेशल गर्मी आ रही है, आप सबको पता है, गर्मियों में हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है समर लाइफ लाइन, जिसमें हम जीव जंतुओं को शहर के अंदर फ्रेश अच्छा पानी, मीठा पानी की व्यवस्था देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों पे, छतों पे, आंगन में, घर के बाहर, ऑफिस, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, क्योंकि गर्मियों में पानी की इतनी कमी हो जाती है, आपको पता ही है, शहर में तो बहुत कम है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जीव जंतुओं के लिए पानी प्रदान करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाई बहनों, अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम के मुख्य भाग की। और इसमें जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया था, गौशाला, हमारी देसी गायों को आज इन गौशालाओं के माध्यम से ही उनको बचाया जा रहा है और उसमें भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो हर तरह से हमारे इन गौशालाओं को, इन गायों के पालन में, रख रखाव में, उनके स्वास्थ्य में और उनके द्वारा प्राप्त जो भी पंचगव्य होते हैं उनके निर्माण में, ताकि उनका उपयोग आप और हम करके हम स्वास्थ्य को, अपने आप को निरोग बना सके। तो आजकल इस गौशालाओं का एक सफल संचालन महिलाएं भी कर रही है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही महिला जिनका नाम है शशि गुप्ता, जो हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बखूबी तरीके से इनका प्रबंधन कर रही है और सभी तरह के जो पंचगव्य हैं, चाहे दूध हो, दही हो, मूत्र हो, गोबर हो, सभी का एक सही तरीके से इस्तेमाल कर लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर रही है और साथ ही साथ जैविक खेती को भी उससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस सफल महिला द्वारा किस तरह ये कामधेनु गोधाम का सफल संचालन एवं प्रबंधन वो कर रही है। हमारा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इस दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा हमें गायों से प्राप्त होता है। प्राचीन काल से हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक रही हमारी देसी गाय का भविष्य कुछ अरसे से खतरे में जान पड़ रहा था, किंतु वर्तमान भारत सरकार ने इन देसी गौ पशुधन को बढ़ाने के लिए गोकुल मिशन बनाकर एक सराहनीय कार्य किया है। वैसे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने भी देसी गायों के रखरखाव के लिए देश की कई गौशालाओं में आर्थिक मदद देकर पुनर्जीवित किया है। वहीं दूसरी ओर कई स्वायत्त शासी संस्थाएं भी गौशाला बनाकर इस देसी गाय को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। ऐसी ही एक संस्था जो हरियाणा मेवात क्षेत्र के जिला नूह के गांव विस्सरपुर अकबरपुर में कामधेनु गोधाम एक महिला सफलता पूर्वक चला रही है। श्रीमती शशि गुप्ता अपने बच्चों एवं पति के सहयोग से इस कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम दे रही है। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई गौशाला बनानी है या गौ पालनी है। ये तो एकदम से अचानक ख्याल आया। ये ख्याल कैसे आया कि ये हमारे बच्चों ने फार्म हाउस बनाया था, तो बच्चे हमें दिखाने के लिए लाए कि हमने ये फार्म हाउस बनाया है, आप देखो। तब तक मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे, तो
तो हम लोगों ने जब यहाँ पे लोकेशन देखी, पहाड़ियों के बीच में ये जगह है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो ना जाने क्यों बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। तो मैंने ऐसे ही बोला अपने बेटे को कि बेटे ये जगह तो तुम हमें दे दो। तो बेटे ने कहा कि आप इसका क्या करोगे? तो हमने कहा हम गौशाला बनाएंगे। तो बच्चे हंस के कहने लगे कि देखो हमारे पास तो टाइम है नहीं गौशाला चलाने का। तो हमने कहा हमारे पास टाइम बहुत है कि आपके पापा अब रिटायर हो चुके हैं तो हम यहाँ पे गौशाला बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे बनाओ। तभी बस उसी दिन से हमारे मन में हुआ कि गौशाला कैसे बने। फिर हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम गौशाला बना लें और फिर वो चले ना। तो उसके लिए हमने एक ट्रायल किया कि दो गायें ली, एक तो गाय दूध वाली खरीदी 10,000 रुपये में हमने वो गायें खरीदी, और एक गाय जो बेसहारा गाय। तो दोनों गायें हमने अपने जो ये इनका फार्म हाउस का केयर टेकर था उसको दे दी। हमने कहा देखो एक गाय का दूध तुम पियो और बच्चों को अपने को पिलाओ और एक गाय की सेवा करो। तो हमने देखा कि उन दो गायों की परवरिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बड़े आराम से पल रही थी। तो हमने कहा जब दो पल सकती हैं तो फिर 50 क्यों नहीं, तो उसका प्रयास किया जा सकता है। तब हमने ये 50 गाय से ये गौशाला शुरू की। यहाँ आसपास के ग्रामीणों में देसी गाय के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं उसके पंचगव्यों का महत्व समझ में आने लगा है। वहीं दूसरी ओर समय समय पर यहाँ यज्ञ हवन का भी आयोजन होता रहता है, जिससे पर्यावरण शुद्धता एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे गौशाला चलाते चलाते फिर हमने पढ़ना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की, तो हमें पता चला कि देसी गाय की बहुत उपयोगिता है और जिसकी नस्ल खराब हो चुकी है। फिर हमारा उद्देश्य गाय को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ उस गो नस्ल सुधार पे ज़्यादा ध्यान गया कि हम अपनी देसी गाय की नस्ल को सुधारें। ये हमारा एक तरह से अनुसंधान केंद्र है। अब हम प्रोटेक्शन के साथ साथ अब हम और ज़्यादा गायों को तो नहीं रख पाते क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही इतनी है, पर हम उसके नस्ल के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें काफ़ी कुछ सफलता भी मिली है। और बाकी हम इसके बाकी गोवियों का भी उपयोग करते हैं। हम इसके गोमूत्र से गो अर्क बनाते हैं जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। हम इतना बना पाते हैं कि हम उनको जितने लोगों की डिमांड है उनकी डिमांड मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। आजकल लोगों में बहुत जागृति आई है और लोग बहुत पसंद करते हैं गो अर्क को। उसके लिए हमने एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, गो अर्क का डिस्टिलेशन प्लांट। और इसी तरह से गोबर जो है इसको हम हमारे यहाँ 4 तरह के बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं जिनमें बायोगैस बनती है। देसी गायें दूध बहुत कम दे रही हैं, चाहे वो 2 किलो दे 3 किलो दे कोई बात नहीं है, पर उसका 2-3 किलो दूध 2-3 लीटर दूध उनके 40 लीटर दूध से ज़्यादा उपयोगी होगा और उसी से बीमारियाँ दूर होंगी। हम जर्सी गाय का दूध तो कहने को दूध पी लेते हैं पर बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। मेरी सभी ग्रामीण बहनों से भाइयों से निवेदन है कि वो जर्सी गायें बिल्कुल ना पालें और देसी गायें को ही पालें। इस अवसर पर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री SP गुप्ता भी उपस्थित थे, जो गौ वंश को बढ़ाने में एवं गौशालाओं के रखरखाव को देखकर सभी आगंतुकों को यहां लगे गोबर गैस प्लांट उत्पाद आदि के बारे में बता रहे हैं। श्री गुप्ता ने भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज भारतीय कल्याण बोर्ड जो है उसने, पशु कल्याण बोर्ड है, उसने बड़े 2-3 बड़े अच्छे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कदम यही है कि जो बेसहारा गोवंश है आज और दूसरे जो जानवर हैं जो सड़कों पे घूमते हैं, जिनको हम स्ट्रे कैटल्स बोलते हैं, स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, उनको संरक्षण मिले। और उसके लिए हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें हम लिखने जा रहे हैं, एडवाइजरी इशू करने जा रहे हैं कि भाई ये जिम्मेवारी, ये मैंडेट केवल ग्राम पंचायत का और लोकल बॉडीज का है, तो ये उन अपनी जिम्मेवारी से ना बचें। ये कार्य गौशालाओं का नहीं है और ये स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो ये हम जिम्मेवारी उनके करना चाहेंगे। बल्कि देखने में ये आया है
कि जो जितने गौशालाएँ हैं आज, जितने पिंगस जो हैं, तो उनमें गोवंश जितनी कैपेसिटी उस गौशाला की है उससे ज़्यादा गौवें हैं, गोवंश है। उसके कारण बजाय उनके अच्छी तरह उनको खाने की व्यवस्था हो, उनका संरक्षण हो, वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि उसको उसमें कैपेसिटी से ऊपर रखना, वो भी मैं समझता हूँ एक किस्म की क्रूरता है गाय के साथ। उसकी जो 5 फ्रीडम जो हमने डिफाइन की हैं वो पूरी नहीं हो रही, उन पर कहीं ना कहीं जो है उनका वायलेशन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को, हम सबको कह रहे हैं भाई, जो गौशालाएँ हैं उनमें कैपेसिटी से ज़्यादा गोवंश ना हो। इसी प्रकार जो सड़कों पर बेसारा जो जानवर जो घूमते हैं वो ना घूमें, और ये जिम्मेवारी जो है ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ की फिक्स की जाए, और तभी जाकर ये गोवंश बच पाएगा, अन्यथा फिर ऐसे ही गौ कितने कानून हम बना लें उसके बगैर नहीं चलेगा। दूसरा इसमें क्रांतिकारी कदम एक और लिया है हमने, जो गोचर लैंड है। गोचर लैंड इतनी इम्पोर्टेंट है सभी जानवरों की सुरक्षा के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनको हर प्रकार का जो है फीडिंग के लिए। पहले सारा जितना जानवर जितना जीव जंतु थे वो सभी उस पर ही जो है वो चलते थे, उसी पर उनका गुजारा चलता था। लेकिन आज धीरे धीरे सारे जो जितने गोचर ग्रेजिंग लैंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और इस पर 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिनके अनुसार जितने जो गोचरान है की लैंड है उस पर सरकार भी कोई दूसरा अगर प्रयोग करेगी वो गलत होगा। इसलिए उसको हम बेस मानते हुए, क्योंकि उसकी वायलेशन ना हो, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है वो, हम सारे देश में सभी सरकार गवर्नमेंट्स को हम ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं भी जो गोचरान है, जो गोचर लैंड है उसको प्रोटेक्ट करें, वहाँ पर सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं जानवर हैं वो रहें, वहाँ पर उनका शेल्टर हो, खाने की उनकी व्यवस्था हो, और वहीं पर जैसे जितनी गौशालाएँ हैं वो गोवंश पंचगव्य का वहीं पर उसका प्रयोग करें, ताकि जो है जो ये सड़कों पे गाय घूम रही है वो ना घूमेंगी, और पंचगव्य का पूरा उपयोग करके जो है हम एक स्वावलंबी और एक अच्छी कृषि व्यवस्था उसकी ओर बढ़ेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें, जितनी बंजर ज़मीन है इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, वो सारी हरियाली हो जाएगी अगर हम वहाँ पर जानवरों को रखेंगे, गोवंश को रखेंगे। एक गाय एक परिवार सचमुच में ही सुख समृद्धि का आधार है, जिसको श्रीमती शशि गुप्ता ने सफलतापूर्वक चरितार्थ कर दिखाया है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। जी हाँ, AC ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल
हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों, देखा अपने कामधेनु गोदाम के बारे में कि किस तरह शशि गुप्ता जी इसका सफल संचालन कर रही है और गायों के द्वारा प्राप्त पंचगव्यों का सही इस्तेमाल करके उसकी उपयोगिता के बारे में भी आपको बताया, और साथ ही साथ किस तरह भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी गौशालाओं को इन देसी गायों की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। तो चलते चलते हम आपको कल के कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। कल हमारा एक विशेष कार्यक्रम रहेगा पूसा संस्थान में, 16 से 18 मार्च तक जो कृषि उन्नति मेला चल रहा है उसके पूर्वावलोकन के बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ताकि इस मेले में इस बार क्या क्या विशेष कार्यक्रम आपको दिखाने वाले हैं, क्या क्या प्रदर्शन होने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी रहेगी और खबरें खेती तो हम दिखाएंगे ही। तो अब हमको कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। सभी भाई बहनों को नमस्कार।